नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका अपना दोस्त आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह हमने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टॉक का चुनाव किया हुआ है। पिछले 15 दिनों से एक ही रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और बीच में देखेंगे तो बम्पर रिटर्न यहाँ पे अपने इन्वेस्टरों को दिया। 100 रुपये से स्टॉक दौड़ा तो डायरेक्ट 170-172 रुपये का हाई लगा के आया है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ SGVN लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, 15 दिसंबर 2023 का स्टॉक का जो हाई था 100.40 का हाई हुआ करता था। आप देखेंगे 15 जनवरी 2024 को स्टॉक ने 103.80 रुपये का हाई लगाया और 102.50 रुपये पे क्लोजिंग दिया। दोस्तों, जो 15 दिसंबर के हाई थे उसको ब्रेक किया, सस्टेन किया और 5 फरवरी 2024 को स्टॉक ने 170.50 रुपये का हाई लगाया। दोस्तों, अभी आप देखेंगे तो 13 फरवरी 2024 को स्टॉक ने 100.65 का लो लगाने के बाद से आप देखेंगे तो दोस्तों 119.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, एक कंसोलिडेशन फेज है, यहाँ से या तो ब्रेकआउट आना है या तो ब्रेकडाउन। दोस्तों, दोनों सिनेरियो में आप एक छोटे से रिस्क के साथ यहाँ पे बने रह सकते हैं और आने वाले दिनों में एक अच्छा रिवार्ड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको आईफल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप फ्री आपका ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को विदित है हर दिन हम आप लोगों के लिए नए नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव करते हैं। शॉर्ट वीडियोज, लॉन्ग वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आया करते हैं, जो कि आने वाले दिनों में बम्पर तेजी देते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम में हमने AU बैंक डॉक्टर रेड्डी के बारे में डिस्कस किया हुआ था। बम्पर तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। बैंक निफ्टी का 48,100 का पी बाय बब 600 आप देखेंगे तो 860 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया है। तो दोस्तों, जो इसका गिरने का एक ही रीजन मुझे समझ में आता है, तो जो इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो रिजल्ट आया दोस्तों, वो काफ़ी चिंताजनक रहा। दिसंबर क्वार्टर में सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दोनों में गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे पिटता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, अगर मैं सितंबर क्वार्टर की बात करूँ सेल्स की, तो 878 करोड़ के हुआ करते थे। दिसंबर क्वार्टर में ये सेल्स घट करके 543 करोड़ के होते हुए दिखाई दिए। और अगर हम वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 706 करोड़ के हुआ करते थे, दिसंबर क्वार्टर में घट करके 368 करोड़ के होते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से आप देखेंगे स्टॉक यहां पे जबरदस्त गिरावट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर अगला क्वार्टर यहां से सुधरता है, और लेकिन मुझे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो रिजल्ट है वो काफ़ी मुझे अच्छा रहने की संभावना मुझे लगती है। तो दोस्तों, यहां से स्टॉक को बाउंस बैक करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम SGVN के टेक्निकल पैरामीटर्स को जानेंगे, फंडामेंटल को जानेंगे, चार्ट पे भी लेके चलेंगे, सारी चीज़ों को एक एक करके बारीकियों से देखेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखें तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। SGVN बिजली उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ है। कंपनी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए परामर्श प्रदान करती है। वर्तमान में पूरे भारत में 6 बिजली परियोजनाएं हैं, जिसकी कुल क्षमता 2017 मेगावाट है। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर, जिसकी कुल क्षमता 1500 मेगावाट है, और दूसरी भी हिमाचल प्रदेश में रामपुर हाइड्रो पावर, जिसकी कुल क्षमता 412 मेगावाट है। महाराष्ट्र में खीर वीरे पवन ऊर्जा, जिसकी क्षमता 47.6 मेगावाट है। गुजरात में देखेंगे तो चरण का सौर ऊर्जा, जिसकी क्षमता 5.6 मेगावाट है, और दूसरी भी गुजरात में ही है सदला पावर ऊर्जा, जिसकी क्षमता 50 मेगावाट है। NJHPS में ग्रिड से जुड़ा हुआ संयंत्र है, जिसकी क्षमता 1.3 मेगावाट है। अगर हम इसके विजन की बात करें, तो कंपनी का लक्ष्य अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को 2030 तक 12 मेगावाट और 2040 तक 25,000 मेगावाट तक बढ़ाने का है। भारत सरकार की कंपनी में 59.92% की हिस्सेदारी है। अगर हम इसके शीर्ष ग्राहकों की बात करें, तो कंपनी के शीर्ष ग्राहकों में हिमाचल प्रदेश, यहाँ से 25% का राजस्व अर्जित होता है। यूपी पावर कॉरपोरेशन, यहाँ से 19% का राजस्व अर्जित होता है। PDD जम्मू और कश्मीर, यहाँ से 12% का राजस्व अर्जित होता है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन, यहाँ से 9% का राजस्व अर्जित होता है। कंपनी 57.1% का अच्छा लाभांश भुगतान बना करके रख रही है। तो दोस्तों, अगर मैं इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर नजर डालूँ, तो दोस्तों बेहतरीन जंप देखने को मिल रहे हैं।
अगर मैं मार्च 2021 की सेल्स की बात करूं जो 2485 करोड़ के हुआ करते थे, मार्च 2022 में देखेंगे ये सेल्स 2417 करोड़ के हुए, मार्च 2023 में देखेंगे तो जबरदस्त जंप 2938 करोड़ का जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम वहीं पे खर्चे को नजर डालें तो मार्च 2021 में जो खर्चा 619 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2022 में ये खर्चा बढ़ करके 623 करोड़ का हुआ, मार्च 2023 में देखेंगे ये खर्चा 665 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नजर डालें तो मार्च 2021 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1867 करोड़ के हुआ करते थे, मार्च 2022 में देखेंगे 1794 करोड़ के हुए, मार्च 2023 में जबरदस्त जंप 2273 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसके सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर नजर डालें तो आप यहां पे देखेंगे दोस्तों 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो यहां पे बुलिश देखने को मिल रहे हैं, तो एक अच्छा साइन यहां पे देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर डालेंगे तो सबसे पहले कंपनी के वैल्यूएशन को जान लेते हैं। अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं 48022 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी रेशियो 5.00 का है, डिविडेंड डील 1.45% का है, बुक वैल्यू 36.46 का है, फेस वैल्यू 10 का है, प्राइस बुक रेशियो की बात करें 3.35 का है, आरओसीई की बात करें 8.23% का है, आरओई की बात करें 9.81% का है, तो बेहतरीन फंडामेंटल एसजीवीएन के देखने को मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रिटर्न को ऊपर डालेंगे तो आप यहां पे देखेंगे दोस्तों अगर मैं वन वीक की बात करूं 1.96% का निगेटिव रिटर्न है, एक महीनों में 6.63% का पॉजिटिव रिटर्न, तीन महीनों की बात करें तो आप देखेंगे लगभग 34% का पॉजिटिव रिटर्न, छह महीनों में 56%, नौ महीनों में 215%, बीते एक सालों में 281%, दो सालों में 317%, तीन सालों की बात करें 355%, चार सालों में 457%, पांच सालों में 391% का जबरदस्त रिटर्न SJVN लिमिटेड ने अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब एक नज़र कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऊपर डालेंगे तो सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग जान लेते हैं, 81.85% की होल्डिंग प्रमोटर की है, DII की बात करें 5.98% की होल्डिंग है, FII की बात करें 1.68% की होल्डिंग है, पब्लिक इन्वेस्टर के पास आप देखेंगे तो 10.50% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है DII FII की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही। तो चलिए अब हम आपको सीधे चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। आप यहां पे देखेंगे दोस्तों मेरी वेबसाइट है www.bigmoneyreward.com, आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारियां देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया यहां के हाई लगाने के बाद से 15 दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूं, स्टॉक ने 100.40 का हाई लगाया था, उसके बाद से आप देखेंगे स्टॉक के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, काफ़ी टाइम तक स्टॉक एक महीने तक लगभग कंसोलिडेशन रहा, फाइनली यहां पे आप देखेंगे जैसे इसको ब्रेक किया एक जबरदस्त तेजी यहां पे देखने को मिली। 5 फरवरी 2024 को स्टॉक 170.50 का हाई लगाया, उसके बाद से आप देखेंगे स्टॉक एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो इसका एक समय में रेसिस्टेंट हुआ करता था उसी को अभी आप देखेंगे तो सपोर्ट के रूप में फॉलो किया, यहां का लो मारा, उसके बाद आप देखेंगे यहां पे क्लोजिंग दिया, तो यहां से स्टॉक देखेंगे तो काफी टाइम से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों एक छोटे से रिस्क के साथ एक अच्छा रिवार्ड यहां पे बनाया जा सकता है, दोस्तों रिवार्ड काफी बेहतरीन है, रिस्क यहां पे मुझे थोड़ा सा दिखता है। दोस्तों सबसे पहले लेवल्स को नोट डाउन करते हैं, उसके बाद हम आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलेंगे। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक आपको 115 से 120 की रेंज मिले तो आप इस स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 99 रुपए का, पहला टारगेट 150 175, 200 के टारगेट आने वाले 1 से 6 महीनों के अंदर SJVN लिमिटेड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों हमने आप लोगों के सामने वीकली चार्ट प्रस्तुत कर दिया है, किस तरह से स्टॉक जबरदस्त आप यहां पे देखेंगे कहीं पे रुका ही नहीं है, आप यहां से देख सकते हैं कंटिन्यू स्टॉक अप मूवमेंट देता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों तो सीधी सी बात है दोस्तों एक प्रॉफिट बुकिंग भी तो बनती है, यहां पे हाई लगाने के बाद से आप देखेंगे इसी रेंज के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 हफ्ते से स्टॉक एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर यहां से ऊपर की तरफ स्टॉक चलना चालू करता है तो आने वाले दिनों में एक बम्पर तेजी देता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो अपना और अपने पोर्टफोलियो का रखिएगा ख्याल, कल मिलेंगे एक नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।